फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपना पहला काउच सर्फिंग का एक्सपीरियंस। और जिन लोगों को नहीं पता है कि काउच सर्फिंग क्या होता है, तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां मैंने एक लिंक दिया है जिसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, वहां से आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं अभी पुष्कर में हूँ और यहाँ जो मेरे होस्ट थे उनका नाम था अभिषेक। और देखिए, जो सबसे खास चीज़ रही इस काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस की मेरे साथ, वो ये थी कि जो मेरे होस्ट हैं उन्होंने मुझे अपने घर पे नहीं रुकाया। उससे भी अच्छी चीज़ कि उनका एक अपना होटल था यहाँ, उनकी कॉमर्शियल प्लेस थी, उन्होंने मुझे वहाँ रूम दिया। तो देखिए, मैं एक बार आपको रूम टूर करा देता हूँ कि मेरा रूम कैसा था। तो देखिए, कुछ ऐसा रूम था, सारी की सारी ये मेरा बेड है और एसी वगैरह लगा हुआ है, एलसीडी रखी हुई है, यहाँ बैठ सकते हैं कुछ भी काम करना हो। ये कंप्यूटर टेबल है, अगर मैं एडिटिंग वगैरह करता था तो मैं यहीं बैठ करके करता था। और चलिए, मैं यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। एक दो बालकनी है हमारे इस रूम में, एक इधर है एक बाहर है, और बाहर से कैसा व्यू है मैं आपको, तो वो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स, ये है वो हमारी बालकनी, पहली बालकनी है। देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा है। ये और भी रूम्स हैं जहाँ और भी गेस्ट रुके हुए हैं, और इधर भी कुछ रूम्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यहाँ कैमल सफारी भी होती है, आप लोग खुद ही कराते हैं तो आपको नीचे कैमल दिखाई दे रहे होंगे। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कैमल सफारी से रिलेटेड आपको चाहिए या टूरिज्म से रिलेटेड चाहिए, तो मैं इस वीडियो में एक लिंक दे दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा, वहां आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप कांटेक्ट करके जब भी आप कुछ कराएं तो सारी सर्विस का आनंद ले सकते हैं। एक चीज़ और, जिन लोगों को नहीं पता है काउच सर्फिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक कम्युनिटी है, ग्लोबल कम्युनिटी है, उसकी एक एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें होता यह है दोस्तों कि आप किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ फ्री स्टे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जिनका के अकाउंट होता है, आपको उनको रिक्वेस्ट भेजना होता है, वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वहाँ जाकर के उनके घर पे आराम से रह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्ते आपको करना ये होगा कि अगर वो लोग आपके शहर में घूमने आते हैं तो आपको उनको रुकाना पड़ेगा अपने यहाँ। और ज़्यादा डिटेल आप इसके बारे में चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ वक्त पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर के पता कर सकते हैं। तो यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म है इस वक्त, इसीलिए होंठ वगैरह फट रहे हैं, मेरे चेहरा भी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा आपको, क्योंकि आज मैं दोपहर में कहीं नहीं निकला, शाम को आज मैं घूमने जाऊंगा। हालांकि मेरा लास्ट दिन है यहाँ, कल मुझे वापस जाना है दिल्ली। तो अभी मैं आ चुका हूँ रिसेप्शन पे अपने होटल के, और ये हमारे बैठे हुए हैं भगवान जी, और आप हैं हमारे अभिषेक भाई। आपका बहुत अच्छा होटल है और होटल का नाम है पुष्कर लेक पैलेस। पुष्कर लेक पैलेस, ये बिल्कुल लेक के पास में है, सबसे पास मुझे लगता है कि शायद ये होटल है। ये बालकनी, इधर रूम्स है सारे, और आइए ऊपर। ऊपर हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या नज़ारे यहाँ मिलेंगे। और मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो एक बार यहाँ विजिट करके जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। यहाँ से भी रूम्स के व्यू है, ये रूम्स का व्यू है, यहाँ भी रूम्स हैं, ये सब सारे रूम्स में अपनी बालकोनी है। तो ये जो जगह है ये है फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ देखिए ये कैमल सफारी हो रखी है, यहाँ से आप कैमल मिल जाते हैं। आपको क्या करना है कि सिर्फ जब आप यहाँ आते हैं होटल पे तो रिसेप्शन पे बोल देना है कि मुझे कैमल सफारी करनी है, तो सारी की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल सब कुछ बराबर में ही, आपको कहीं वॉक नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक बार और चलते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी फ्लोर है लेकिन उसके ऊपर भी एक फ्लोर है, आपको चल करके दिखाता हूँ मैं कि उस फ्लोर पर क्या है। एक और चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अगर आप कहीं जाते हैं बाइक कार, वो है पार्किंग। आपको होटल आपका पार्किंग देता है या नहीं देता है, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ी पार्किंग है, भी ग्रुप भी आया हुआ है कुछ फॉरेनर्स का, तो उनकी भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो पार्किंग के हिसाब से भी ये जगह सबसे बेस्ट है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल रूफ टॉप पे, और भाई लोग लेकर आए यहाँ, और ये सबसे फेवरेट मेरी स्पॉट था इसलिए इस पूरे ट्रिप के दौरान, क्योंकि रात के समय आप यहाँ के बैठ जाइए आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है यहाँ से लेक का, आप देख रहे होंगे यहाँ लेक है ये रही, और ये बहुत पास है हमारे होटल से। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा काउच सर्फिंग का, बेशक ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए काउच सर्फिंग के दौरान, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ भी आपको हो सकते हैं नो डाउट।
तो इसी के बारे में बताएंगे हमारे नबी भाई। हाँ, तो काउच सर्फिंग की एक जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रैवलर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया। तो ये ट्रिप प्लेटफॉर्म है, जो भी लोग फ्री में ट्रैवलिंग करना चाहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट इसी के साथ हमको कुछ अवेयरनेस भी, ख़ास तौर पे गर्ल्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे होस्ट होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। बट सारे इंसान, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, एक जैसे नहीं होते। अगर आपको कहीं भी आपके साथ कुछ मिसबिहेव होता है या कुछ भी उल्टी सीधी हरकत आपके साथ हो जाती है, तो प्लीज़ आप उस होस्ट को उसी टाइम छोड़ दें और रेफरेंस ज़रूर डालें, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये उस इंसान के व्यक्तित्व को बताता है कि आपके साथ कैसा बिहेव हुआ वहाँ पे। और जो भी होस्ट होते हैं या फिर जो सफ़र्स होते हैं, वो बाद में उनके रेफरेंस को पढ़ के ही उनके पास जाते हैं। तो प्लीज़ रेफरेंस ज़रूर कीजिएगा और अवेयर रहें, सेफ़ रहें, बाकी ट्रैवलिंग का अपना मज़ा लें। तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है हमारे नबी भाई ने, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक और चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस होटल के बारे में, तो ये मेरी अपनी प्रेफरेंस है, क्योंकि इससे अच्छी जगह मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। सीरियसली, एज ए मैं काउच सर्फर आया, अलग बात थी, अगर मैं यहाँ एज ए टूरिस्ट आता तो भी मैं ऐसी लोकेशन पर उतरता कि जहाँ पर बहुत पास हो सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आप जब भी यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट टाइम, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है इस होटल का, और जो मेरे होस्ट हैं अभिषेक, जिनका होटल है ये, उनका नंबर भी मैंने शेयर किया है, तो एक बार ज़रूर मिलिएगा। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक कीजिएगा, और आप भी घूमने के शौकीन हैं, हम लोगों की तरह घुमक्कड़ हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी घुमक्कड़ लोग इसको देख सकें, उनका भी कुछ भला हो सके, वो भी इन सब जानकारियों से अवेयर हो सकें। तो अब लेता हूँ मैं आपसे विदाई। जय हिंद।